अगर पश्चिमी कल्चर से प्रभावित हो गए तो याद रखना तुम्हारे जीवन में अंधकार ही अंधकार रहेगा, क्योंकि पश्चिम में अंधकार है। सूर्य जब अस्त होता है तो पश्चिम में अस्त होता है, और जब सूर्य प्रकाशित होता है, निकलता है, प्रकाश लेकर के आता है, तो पूरब से आता है। इसलिए हम अपनी परंपरा, भारतीय परंपरा से अनुप्राणित हों, भारतीय परंपरा से ओतप्रोत हों, पश्चिमी परंपरा को हम सदा सदा के लिए ठुकरा दें, क्योंकि हमें अंधकार नहीं चाहिए, हमें तो प्रकाश चाहिए। आज मिथिला की मिथिलानियां, उनमें भी युवतियां झरोखों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। इसलिए युवती भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरा। अब भगवान राम तो किसी की ओर देख नहीं रहे हैं, भगवान तो ऐसे चल रहे हैं जैसे आपने देखो, भगवान राम मिथिला में क्या है, वो अयोध्या में क्या है, यही अंतर है। अयोध्या में भगवान है पुरुष सिंह दो वीर, अयोध्या में है सिंह के समान वीर। और बोलो सिंह दहाड़ता है कि नहीं दहाड़ता है, जल्दी बोलो, सिंह दहाड़ता है, गरजता है, दहाड़ता है सिंह। लेकिन प्यारे मिथिला में भगवान सिंह नहीं है, मिथिला में तो भगवान है मनहु मत्वर कुंजर गामी। क्यों भाई, हाथी है ना, हाथी मत वाले हाथी हैं, मनहु मत्वर कुंजर गामी हाथी हैं। हाथी की विशेषता क्या होती है, सिंह में और हाथी में यही अंतर है। एक तो सिंह सिर ऊंचा करता है नंबर एक, और ऊंचा करके दहाड़ता है नंबर दो, और फिर छलांग लगाता है। ये व्यवस्था गांव तक तो सीमित है, लेकिन दूसरे के गांव में ये परंपरा नहीं चलेगी कि छलांगे लगाओ दहाड़ो, ये दूसरे के गांव में नहीं। दूसरे के गांव में तो तुम्हें हाथी बनना पड़ेगा। जैसे हाथी चलता है तो याद रखना पूरा गांव हाथी की आरती उतारता है। बोलो हाथी की आरती। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे गांव में शेर घुसावे आरती उतारोगे, जल्दी बोलो, आरती वारती कहां उतारोगे, शेर भागोगे देख करके। लेकिन सही बताओ, हाथी अगर आ जाए तो आरती उतारोगे कि नहीं उतारोगे, तब आरतियां उतारेंगे। क्यों, हाथी की दृष्टि का दृष्टिकोण, उसका सम्मान होता है। हाथी जब चलता है तो अपने लक्ष्य की ओर चलता है, वो कभी ना इधर देखता है, ना उधर देखता है, ना ऊपर देखता है, वो सीधा सामने देखता है। बोलो देखता है कि नहीं देखता है। और दूसरी विशेषता हाथी की क्या है, आरती उतारने वाले आरती उतारते रहते हैं, लेकिन हाथी सूंड नहीं उठाता है, और पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं लेकिन पैर नहीं उठाता या पूंछ नहीं हिलाता। नहीं तो पीछे जो कुत्ते भौंक रहे हैं, ईमानदारी से बताओ, अगर पूंछ ही का इशारा कर दे पीछे तो त्रियोदशी हो जाएगी कुत्तों की कि नहीं हो जाएगी, बोलो, एक और कुत्ता बचेगा, हाथी की पूंछ में इतनी ताकत होती। लेकिन कुत्ते भौंक रहे हैं, भौंकने वाले कुत्तों पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, सम्मान देने वाले सम्मान दे रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। बोलो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सीधा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है कि नहीं। ऐसे ही दूसरे के गांव में जब तुम जाओ तो हाथी की चाल चलो, लोग सम्मान दें तो ठीक है, कुत्ते की तरह भौंकें तो ठीक है, समझे कि नहीं। निंदा करें, चुगली करें तुम्हारी, तुम्हें कुछ भी कहें, लेकिन अपने लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है तो उन लोगों की बातों में मत आना, उन लोगों की बातों में आने की जरूरत नहीं है, नहीं तो सफल नहीं हो पाओगे।
विफल हो जाओगे। भगवान राम ने यह बताया कि यदि दूसरे के गांव में हम प्रवेश करते हैं, दूसरे के नगर में हम प्रवेश करते हैं, दूसरे के शहर में हम प्रवेश करते हैं, तो हमें कैसे चलना चाहिए? हाथी की तरह गंभीर होना चाहिए,